क्या फ्लैश हमेशा से है? अच्छा, ये इसको लगता है अपग्रेड कराएगा। ये कनेक्टेड भी हम थे नहीं, ये डिवाइस होगी यहाँ से तो। अच्छा ये नहीं होगी, ये तो है। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ऑनलाइन के हजरात को आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? वाह, बच्चे ने ऑब्जर्वेशन रेस किया, उसने कहा सर आपने पहला कटिंग करवा लिया। ये कैमरा बहुत करीब है इसलिए ऐसी फीलिंग दे रहा है। असल में टाइम मिलता नहीं, तो जब भी हम जाते हैं ना बार्बर के पास तो उसे कहते हैं भाई इतने छोटे कर दो कि 2-2.5 महीने तक जो ना मैं चक्कर ना लगाना पड़े, तो वो भी नाई के बजाय मोची निकला उसने, बिल्कुल ही छोटे छोटे से बाल कर दिए। हमने फिर भी मांग कहीं ना कहीं से निकाली ली, वरना उसने तो अपनी तरफ से स्पाइक्स बनाने की कोशिश कर दी थी। ठीक है जी, अब आप लोगों को आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? ऐसे ही है, डन हो गया। हमें कैंपस वालों ने एक प्रिविलेज इंटरनेट भी दे दी है। कल हमने आखिरकार बड़ा जोर का एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसके बाद हमें थोड़ा सा हमारी सुन ली गई। देखते हैं ये सुनवाई कब तक कायम रहती है। जी, कुछ बहुत मजेदार बातें पढ़ी थी कल हमने, याद है? सबसे पहले हमने समझा था कि पेमेंट सिस्टम क्या होता है। पेमेंट सिस्टम का मतलब है पेमेंट का कोई भी निजाम जिसमें एक पार्टी दूसरे को पेमेंट करती है। वो हमने कहा था कि वो क्रेडिटर के थ्रू भी हो सकती है, वो एजेंट के थ्रू भी हो सकती है, वो बैंक के थ्रू भी हो सकती है, कोई भी निजाम हो सकता है उसका। तो पेमेंट के निजाम को क्या कहेंगे? पेमेंट सिस्टम। तो ये डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम क्या बोला है? ऐसा पेमेंट का सिस्टम जो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए रजिस्टर कर लिया हो कि हाँ भाई ये इस तरह से हो सकता है। जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सिस्टम को उन्होंने रजिस्टर किया होगा कि हाँ भाई हम आपको ये इजाजत देते हैं, वो ऑपरेटर बन जाएगा। और जो सिस्टम रजिस्टर हो जाएगा ऑनलाइन के हिसाब से, वो डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बन जाएगा जिसपे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो सकेंगी। कल हमने समझा था कि इस लॉ में कुछ ज्यादा बात समझने वाली नहीं है, बस अगर आपको ये पता हो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या चीज होती है तो मसला हल हो जाएगा। जब भी आप अपने एटीएम से, अपने बायोमेट्रिक किसी डिवाइस से, अपने किसी भी कोड से, किसी भी वेबसाइट ऑथराइजेशन से, किसी भी तरीके से आप फिजिकल कैश को नहीं डील करते, लेकिन एक ट्रांजेक्शन होती है जिसमें इंसान इन्वॉल्व नहीं होते, कंप्यूटर कंप्यूटर को हुक्म भेजता है और ऑटोमेटिकली एक जगह से पैसे उठ के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इस चीज को हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की जब हमने डेफिनेशन देखी थी, इलेक्ट्रॉनिक फंड या मनी की डेफिनेशन देखी थी, तो हमने कहा था कि कोई भी ऐसे पैसे जो किसी भी ये ऊपर दिए हुए सोर्सेज में से निकले हो, किसी बैंक को ये ऑथराइज किया गया हो कि आपने किसी और जगह पे इनको इस तरह से ट्रांसफर कर देना है, इस तरह से पहुंचा देना है, तो ये लंबी सी डेफिनेशन थी जिसका एंड रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि आपने क्रैम करना है। बट मैंने समझाने की कोशिश की थी इसको पोर्शंस में तोड़ के। फिर हमने एक और डेफिनेशन देखी थी जो मजाक था, वो इसी डेफिनेशन को ही तकरीबन दोबारा से अल्फाज बता दिया था। इस दफा वो इलेक्ट्रॉनिक फंड के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात कर रहे थे, मिलते जुलते हैं लेकिन तरतीब का फर्क, डेजिग्नेटेड पेमेंट जो बीच में मौजूद है। क्या आवाज कर रही है? ऐसे मत गए, अब तो हमें अच्छा इंटरनेट भी मिल गया, अभी सही है। चलें, एक दफा और इश्यू होता है तो मैंने साथ दूसरा टैब भी सजा के रखा हुआ है, तो फिर हम ज्यादा महंगी वाली मशीन से कर लेंगे, शायद जो है वो हमारे अपने जाती पैसे ज्यादा रास आ जाए। वो कह नहीं है, कॉलेज के पैसे बहुत ही अच्छी कर ली, अब अपना अपनी मशीन लेके आए। मेरे नेट की डिस्कशन हो रही थी, वाह क्या कह रहे थे सर की क्लास में नेट बहुत जबरदस्त चलता है।
ठीक है चल, इसका मतलब हमारा एहतजाज जो है वो ऊपर तक पहुंचा है और अभी तक कोई खतरनाक वो नहीं हुआ मामला, मतलब सिस्टम की इंप्रूवमेंट हो रही है, इंसानों की इंप्रूवमेंट के ऊपर अभी नहीं सोचा, जिससे मुझे डर लगता है वो एकदम से किसी को भी फारिग कर देते हैं जी। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी, हमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और पेमेंट सिस्टम की समझ आ गई। यानी कि देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम आपसे पूछा था कि आपको पता है कि आपका एटीएम या आपके कार्ड या इस तरह से किस तरह से काम करते हैं और आप यूज करते हैं, आपने कहा उसी वक्त मैंने कह दिया था ये लॉ तो खत्म हो गया। इस लॉ में जो समझने वाली बात है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज क्या है, बाकी तकरीबन सारी चीजें क्राइमिंग है, आधा तो ये डेफिनेशन है। तो है प्योरली रटा, बस समझाने की कोशिश की थी। मुझे बताइए सामने मौजूद फिजिकल हाजरीन में किसी भाई का कोई सवाल, फिजिकल हाजरीन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है उसका सामने से जाके भी रखते जी, वो भाई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है ठीक है जी। अब एक अहम सवाल, इन्होंने कहा कि एक डेजिग्नेटेड आपकी किस्मत में कि ये वाले अदर लॉ जरा सुकून सुकून से चले, देखते हैं। बना
Yes, real problem. You're a guy over talking. No, I don't. Don't talk like that. Don't take on this. What? You have internet and it's handy. You do. Hello, you. Hello, you. नहीं जी, आईटी वालों को बुलाने से पहले एक आखिरी कोशिश। क्या आप लोगों को आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? अभी तक तो क्लियर। लीवर में। हाँ, इधर से लीवर कर दे। अभी भी नहीं होता तो इसका मतलब है कि फिर अब और कुछ नहीं हो सकता। है? नहीं, क्लास तो फिर कर ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से। अब दूर बैठे बच्चों को नहीं मिल रही तो एक मोबाइल ऑन कर लेंगे। उसका कैमरा ऑन कर लेंगे। मैं हवा में क्लास पढ़ा दूंगा, उन लोगों को भी मिल जाएगी। ठीक है जी। एक हमें और मौका मिलना है, मैंने अभी भी इंटरनेट वो वाला लगाया है जो पहले चला करता था। ठीक है जी। सर अब क्लियर, स्क्रीन बहुत क्लियर आ रही है। महंगी डिवाइस जी, मतलब क्या करते? नजर ना लग जाए बस। वो असल में दिखाना ही चाह रहे थे कि स्क्रीन वाकई क्लियर है, लाइट की वजह से नजर नहीं आ रही आपको। भाई ना, मैंने अंधेरे में नहीं रखना चाहते। वो सब सही है। पेन भी अपना निकालना पड़ेगा, इसकी राइटिंग गंदी होती है, मजीद गंदी होती है। ठीक। जी, स्क्रीन, आवाज, वीडियो तीनों चीजें क्लियर हैं तो आगे चलें। डन। अल्लाह खैर करे, अल्लाह जो है वो हमें बचाए रखे। इलेक्ट्रॉनिक फंड, इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसके ऊपर आप लोग पूछ रहे थे। मैंने आपको बताया कि है क्रैम करने वाला, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो ठीक है। तो वो भाई का एक सवाल। डेबिट क्रेडिट के नीचे एक अजीब सी बात लिखी हुई है। अंग्रेजी इसकी बड़ी अजीब सी है। सिर्फ समझाने की नियत से, इसलिए कि आपको अगर सीखना है तो सीखने का मौका मिले, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि रट्टा मार लेना है। इतनी सारी अंग्रेजी पेपर में इस तरतीब में लिखने के लिए लॉजिक कम और रट्टा ज्यादा चाहिए होता है।
टू डेबिट और क्रेडिट एन अकाउंट, एक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाए एंड इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी कहते हैं रुपए पैसे को, मनी को, जैसे मॉनेटरी जिसका जिक्र हो रहा था उसको कनेक्ट करना है आगे से, इश्यूड ऑन रिसीट ऑफ फंड ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस इन वैल्यू देन मॉनेटरी वैल्यू इश्यूड। अब अगेन वो जो मॉनेटरी वैल्यू है जो मेरी तरफ से गई है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी आगे से डिमांड की गई है, क्लेम की गई है। तो जो क्लेम के अगेंस्ट मेरी तरफ से पेमेंट हुई है पेमेंट सिस्टम के थ्रू वो उस मॉनेटरी वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए जो उस वेबसाइट पे लिखी हुई आ रही थी, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है, कई दफा सर्विस चार्जेस वगैरह पड़ते हैं। देन एक भाई ने कहा आवाज में थोड़ा सा मसला है, वेबकैम ही ऑफ कर देते हैं। नहीं जी, वेबकैम ऑफ कर देते हैं लेकिन आवाज फिर भी मेरी तरफ से जा रही है, वेबकैम वहां से जा रहा है। अभी हमारे पास एक आखिरी तजर्बे की गुंजाइश है, वो वाला इंटरनेट जो कल इन्होंने कनेक्ट किया था। एक आखिरी तजर्बा, नहीं ये तो खुद ही फ्लैश से ही कनेक्ट हुआ है, जो उसी वाले से कनेक्ट हुआ है जो कल हमें दिया गया। नहीं जी, वेबकैम ऑफ करते हैं, उससे थोड़ी सी हमारी बेहतर हो जाएगी। जी क्या अभी आवाज स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर हैं? जी यस क्लियर, डन हो गया, ये साजिश थी कैमरा बंद करने की। तो हमने कहा कि ऑन रिसीट ऑफ फंड अमाउंट नॉट एक्सीडिंग, अच्छा वो हो गया, एक्सेप्टेड एज मींस ऑफ पेमेंट बाय अंडरटेकिंग अदर देन द इश्यूअर, यानी कि अब जिसके जो वो पैसे इश्यू कर रहा है, जो जिसके पास वो चीज पड़ी हुई है, जो उस पैसे को लॉन्च कर रहा है, उसके अलावा बाकी लोग भी क्या उस पैसे को कबूल करते हैं? मैं अगर एक वेबसाइट पे जाके कहूँ मेरे पास बर्तानिया का फलाना कार्ड और मैं वहां से पेमेंट करना चाहता हूँ और पाकिस्तान का सिस्टम बर्तानिया के उस कार्ड को प्रोसेस ही नहीं करता, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फंड वो होगा या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वो होगा जिसमें एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म भी हो। तो ये इंग्लिश में दो तीन बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक मॉनेटरी वैल्यू इशू होगी, एक तरफ से दूसरे बंदे के पास जाएगी, उतनी जाएगी जितनी डिमांड की गई है, उससे कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है, और वो दूसरी तरफ भी एक्सेप्टेबल मोड होना चाहिए। तो ये है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अल्टीमेटली मैंने आपको कहा था कि बेस्ट सजेशन ये है कि इसको क्रैम कर लिया जाए। ठीक, एक महीने का सर छोटा सा कैमरा ऑन कर लें। जी इजी पैसों को क्या है? वो तो डूब गया था बीच में हमारी टेक्नोलॉजी में, दोबारा बताएं। इजी पैसा को हमने पैसे दिए, हमने कहा आप आगे ट्रांसफर करो, उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया और हमें पता लग गया, तो ऑब्वियसली हम इजी पैसा या उस ऑपरेटर जो दरमियान में मौजूद है, जो इंसान या जो इदारा मौजूद है, हम उस पर केस कर सकते हैं कि जी अगर हम साबित करते हैं कि हमने इतना पैसा इस तरह से ट्रांसफर किया और इन्होंने आगे उसको फॉरवर्ड नहीं किया। तो ऐसे में हम लोगों ने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है, ये जो ऑपरेटर के रूल्स हैं ये अभी हमने नहीं पढ़े, हमारे सिलेबस में सिर्फ थोड़े से हैं कि कब उनका लाइसेंस खत्म हो सकता है या वो मोटा मोटा किस तरह से काम करते हैं। हमारे सिलेबस में डिटेल वर्किंग नहीं है कि कब किस तरह से ट्रांजेक्शन जनरेट होती है, इनिशिएट होती है, ऑथराइज होती है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, वो सब नहीं है। सिर्फ बेसिक डेफिनेशन हमारे सिलेबस में और ऑपरेटर हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम क्या है और ये ऑपरेटर क्या है। जी फिजिकल ऑडियंस का फिजिकल सवाल, अगर किसी भी बैंक में पैसे रखे हैं तो क्या वो हमेशा इंटरेस्ट लेते या देते हैं? ऐसा नहीं है,
करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है, आप अगर चाहते हैं कि आप इंटरेस्ट में डील ना करें तो आप बैंक में पैसे रखवाएं और उनसे कहें कि इसको करंट अकाउंट में डाल दें। जब वो करंट अकाउंट में डाल देंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको किसी भी किस्म का नहीं देंगे, लेकिन चूंकि बैंक का काम धंधा ही ये है तो आप ये उन्हें नहीं रोक सकते कि मेरा पैसा आपने गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, आप उसमें रखें इतने कम कि वो इन्वेस्ट ना कर सके। ऐसा में जो सेविंग वाले होते हैं ना, या लोगों ने कहा होता है 3 महीने का अकाउंट, 7 महीने का अकाउंट, साल का डिपॉजिट, तो उसमें उनके पास खुला मार्जिन आ जाता है। वो फिर खुल के उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो फायदा आता है वो उन लोगों को रिटर्न भी अच्छा देते हैं, उनको इंटरेस्ट भी अच्छा। लेकिन जो करंट अकाउंट वाले हैं, ये तो नॉर्मली वो लोग होते हैं जो ज्यादातर सैलरीज वगैरह को डील करते हैं, पैसे आए चले गए, आए चले गए, और उसमें डे टू डे पैसे निकालने पे, वापस जमा कराने पे कोई एक्स्ट्रा से आपको वो तकलीफ नहीं होती, इसीलिए फिर उस पर इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो अगर बहालत मजबूरी हमने कहीं पे पैसे रखवाने हैं तो कोशिश ये है कि हम करंट अकाउंट में डील करें, अगर अपने आप को बिल्कुल सेफ रखना है। सेविंग के अंदर इस्लामिक बैंकिंग और इस तरह के काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अभी अर्ली एज है आपकी, थोड़ा सा आप जरा FR2 तक पढ़ लें, फिर उसके बाद जो है ना वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा सा आपको समझ आएंगे। MFA के अंदर हल्का सा तस्करा है हमारे सिलेबस में, और आगे CA फाइनल में जाके जरा ज्यादा सा तस्करा है। अभी इस वक्त थोड़ा सा अर्ली है, इस वक्त तो हर चीज या हराम है या हलाल है, मतलब वो यही है ना कि इस वक्त बस आर या पार जवाब होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़े होंगे तो पता लगेगा कि ये शर्तें ऐसे हो तो ये हलाल हो सकता है, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। जी जनाब, डन। फिजिकल हाजरीन के फिजिकल सवाल, ऑनलाइन पेमेंट पे फिजिकल हाजरीन के। जी, ये जैस कैश और ईसी पैसा को हम क्या कहेंगे, ये एक, इसको हम कहते हैं ये वॉलेट्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, जैसे आपकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं एक फिजिकल बटवे के अंदर, इसी तरह से एक वर्चुअल बटवा आपका, उसमें पैसे पड़े हुए हैं। वो वर्चुअल बटवा ऐसा है जो इंटरनेट पे नजर आ रहा है, आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको लिखा नजर आएगा, हाँ जी, आप मैसेज करके पूछेंगे तो वो बटवा आपको बताएगा मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं आपके, तो वो एक वर्चुअल सा बटवा है हवा में। ये ऐसे ही है जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे क्लास ले रहे हैं, स्कैन नहीं आ रहे, वो इंटरनेट पे मौजूद एक जगह जा रहे हैं, वो जगह हमारी क्लास उनको दिखा रही है। तो इसी तरह से वर्चुअल पैसे का कॉन्सेप्ट ये है कि पैसा आपकी जेब में नहीं पड़ा हुआ, आपका पैसा है, आपने किसी के पास रखवाया हुआ और उसने आपको इजाजत दी है कि आप उसको ऑनलाइन इस्तेमाल कर सके, उस पैसे को ऑनलाइन डील कर सके। डन। ऑनलाइन के हजरात के सवाल, सर ये तो क्रेमिंग का चैप्टर है, इसमें से सिनेरियो कैसे बन सकता है? असूलन इसमें से सिनेरियो नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो आपको एक थोड़ी सी सिचुएशन बता के आपसे पूछ लें कि बताओ ये क्या इलेक्ट्रॉनिक फंड की डेफिनेशन में आएगी या नहीं। जैसे ही आपको नजर आए इंसान है, चेक इन्वॉल्व है, फिजिकल पैसा इन्वॉल्व है, आप कहेंगे नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन का मतलब है कि डेबिट क्रेडिट, अंदर ही अंदर, तारों के अंदर से ही सारी ट्रांजेक्शन हो गई और सामने नहीं है, सामने एक नोटिफिकेशन आया, मुबारक को आपके फंड ट्रांसफर हो गए या मुबारक को आपके पास फंड आ गए। सर जो पैसा हमने रखवाया होता है वो बैंक वाले यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कुछ केसेस में बैंक आपसे परमिशन लेता है, लेकिन ज्यादातर वो आपके पैसे को यूज कर सकता है और वो यूज करके गलत पैसे भी कमा सकता है। इसीलिए तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी हम ये चीज वो करते हैं कि ये देखें कि आया कहां से और जा कहां को रहा है। भाई मनी लॉन्ड्रर्स क्या कर रहे हैं, लॉन्ड्रिंग करके उसको साफ कर रहे हैं, दो नंबर जराए से पैसा कमाया, उठा के प्रॉपर्टी पे लगा दिया, उससे क्या होगा, जब प्रॉपर्टी पे लगा दिया तो प्रॉपर्टी तो बेमनी से नहीं हासिल की है ना, प्रॉपर्टी तो जनवन तरीके से रजिस्टर करके ट्रांसफर करवाई है, लेकिन क्योंकि पैसा ट्रांसफर करने वाले ने पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से उठाया, उसकी ओरिजिन को छुपाया है, तो उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो जो अपना पैसा ट्रांसफर कर रहा है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, और वो जमीन बेचने वाला शख्स अगर उसको पता है कि मेरी ये जमीन जो बंदा खरीद रहा है वो जो पैसे दे के खरीद रहा है वो पैसे क्या है, प्रोसीड ऑफ क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग से आए हैं, तो वो बेचने वाला भी। तभी हमने कहा था ना, अगर एक बंदा एक्वायर करता है कोई एसेट, कोई बंदा ट्रांसफर करता है कोई एसेट, तो बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं इन तमाम लॉज में थोड़ा सा समझना कि यहाँ पे कुछ इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, और जरूरी नहीं कि एक बंदा हमेशा सामने से ही गलत काम करे, कई दफा वो थोड़ा सा छुप के गलत काम करता है। तो ऐसे में ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स वाले इंस्टीट्यूशन है, ये भी उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आ जाएंगे जो कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग में पड़ी थी। डन सर। फिर अगर बैंक गलत तरीके से हमारे पैसे यूज करे तो क्या हमें भी गुनाह मिलेगा? अगर आपने बैंक को इजाजत नहीं दी और उसके बाद बैंक आपके पैसे को इस्तेमाल करता है तो वो बैंक की तरफ से बेमानी काउंट होगी। नॉर्मली बैंक को अगर आपने ऑथराइज किया है कि वो आपके पैसे को इस्तेमाल ना करे तो वो अपने रूल्स की वजह से बाउंड है कि वो पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे की डेफिनेशन थोड़ी सी फर्क है। बैंक में पैसा, अगर एक बैंक के पास 15,000 लोगों ने 4 करोड़ रुपया रखवाया हुआ है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उस ब्रांच के अंदर फिजिकली 4 करोड़ पड़ा हुआ होगा। उनमें से तो अक्सर तो ये डेबिट क्रेडिट वाले होंगे कि अच्छा भाई 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाए, फलाना ट्रांसफर हो जाए। तो बहुत सारे ऑनलाइन भी होंगे, तो वो उनके कलेक्टिवली उनके पास मिला के इतने हो सकते हैं, लेकिन फिजिकली जरूरी नहीं उनके पास इतने पैसे हो। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया फिजिकल कैश से प्लास्टिक कैश की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक कैश की तरफ और इन चीजों की तरफ आ रही है। एक टाइम आएगा पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, अभी भी हमारा आईडी कार्ड इज कैपेबल कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कर सकता है। वो जो चिप वाला उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उससे उसको आगे जाके जीपीएस से भी कनेक्ट किया जा सकता है, और आगे जाके वो एक कार्ड हमारा हर चीज बन सकता है कि हम उसी से ही पेमेंट करें, उसी से ही सारे काम करें, वही हमारी रिकॉग्निशन और वही हमें ट्रेस करने में भी मदद करे। लेकिन हम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटों पर तक नहीं मानते हम कहते हैं नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगी, बेमानी हो जाएगी। अगर किसी का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और प्रोसीड ऑफ क्राइम है और बैंक यूज करता है, तो बैंक को गुनाह है या नहीं है, जरा सोच के बताएं। अगर बैंक को पता है या पता होना चाहिए था, इसीलिए बैंक्स को कहा जाता है कि आपने कस्टमर के आने पे बहुत तहकीकात करनी है। आपको भी बैंक जाए अकाउंट खुलवाना है, वो 100 तरह के आपको इश्यूज बता देंगे, वो कागज लेके आए ये ऐसे बताएं, वो कॉलेज वालों से वेरीफाई करवाएं, फलाना फादर से ये चीज लेके आए, ऐसे करें वैसे करें। वो अच्छी तरह से तहकीक करते हैं कि जो बंदा अकाउंट ओपन करवा रहा है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका अकाउंट किस नेचर का है। तभी मैंने कहा था ना कि आपके अकाउंट में अगर एक मशकूक ट्रांजेक्शन होगी तो वो कहेंगे कि ये सस्पिशियस है, उसको रिपोर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे सवाल खत्म हो गए, मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग सिर्फ टाइम गुजार रहे हैं, और ऑनलाइन वाले बच्चे जो है उनके सवाल खत्म हो गए थे। ठीक है जी, सब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन के सोर्स को ट्रैक नहीं हो सकता, भाईजन सब कुछ हो सकता है। जिन्होंने वो सोर्स गायब किया होता है वो सोर्स को दोबारा जनरेट भी कर सकते हैं। अभी तक नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके, अभी पाकिस्तान उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, दुनिया में बहुत सारे मुल्क उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान भी किसी टाइम पे आईएमएफ के कहने पे या कुछ और, अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गई, दुनिया पहले डरी है बिटकॉइन से, फिर आस्ते आस्ते सबने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि आप में से कोई पूछे बिटकॉइन क्या है, ना हमारे टॉपिक का दूर दूर से ताल्लुक है, टॉपिक ही चल रहा होता उसमें एक सवाल आता है, उस सवाल का जवाब देते हुए बच्चा कहता सर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, फिर उसके अंदर उसके चाचा के पुत्र का नाम क्या है और उसके दूर के पड़ोसी के जिस दूसरे शहर में वो गया था, उस शहर में जिस गली से गुजरा था, उस गली का पता क्या है। प्रॉब्लम है कि जो मेन घर है वो भूल जाते हैं, दूर चले जाते हैं। वापस आए शेरशाह, थोड़ी सी आगे बातें करते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक थोड़ी है, हम तो कल के गुज़िश्ता टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आज का टॉपिक तो डिफरेंट है। हाँ वही तो पढ़ेंगे, ये तो मजाक है। ठीक है जी, 1:07 पे हमने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करने की कोशिश करनी है, पिछला लेक्चर। डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम बहुत मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसान सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है जो हम करने जा रहे हैं। कहानी आपको समझ आ चुकी हुई है, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या है, आपको ये पता है कि ऑपरेटर क्या है, आपको ये पता है कि जो पेमेंट सिस्टम है वो डेजिग्नेटेड किस तरह का होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की ऑप्शन होती है। अब वो कह रहे हैं कि किसी पेमेंट को डेजिग्नेट करने का तरीका क्या है। जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड से रूल्स हमने पढ़ते जाना है और अल्टीमेटली हमने याद कर लेना है। स्टेट बैंक मे डेजिग्नेट अ पेमेंट सिस्टम एज डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बाय अ रिटन ऑर्डर इफ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब है जो इदारा चाहता है कि उसके पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ भाई ये हमारा बड़ा प्यारा सा पेमेंट सिस्टम है, आप काइंडली इसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के तौर पे एक्सेप्ट कर लें, यानी इस कानून के अल्फाज क्या है, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। तो अगर एक पेमेंट सिस्टम आप चाहते हैं कि वो डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, दोनों में फर्क समझ आ रहा है, पेमेंट सिस्टम में पेमेंट का कोई भी निजाम, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम का मतलब है पेमेंट का वो निजाम जिसको इन्होंने रिकॉग्नाइज करके ओके कर दिया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो अगर मैं कहीं कहूं वेरी इजी पैसा और मैं अपना एक सिस्टम बना दूं कि इस कंप्यूटर में पैसे आएंगे यहां से वहां जाएंगे, तो वो डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम नहीं है, पेमेंट सिस्टम। अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाकर उसे रजिस्टर करा लूं और गवर्नमेंट कुछ मुझे रूल्स कहे और मैं रूल्स को फॉलो करता हूं, तो फिर मेरा पेमेंट सिस्टम रिकॉग्नाइज हो जाएगा एज अ डेजिग्नेट। बस इसका मतलब है, सिर्फ ये लफ्ज की हमें समझ होनी चाहिए, आगे की बात सिंपल है। तो नंबर वन, स्टेट बैंक जो है वो डेजिग्नेट कर सकता है किसी भी पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम पे एक रिटर्न ऑर्डर के थ्रू।
स्टेट बैंक में इंस्पेक्ट द प्रेमिसेस। अब जो लोग कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली पैसा मूव कर देंगे, तो कहेंगे अच्छा तुम लोग हो कौन, कहाँ के हो, किस तरह से करोगे, पैसा गायब तो नहीं कर दोगे, चोरी तो नहीं कर लोगे। तो जिस कंपनी ने, इदारे ने दावा किया है कि हम चाहते हैं कि हम डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बन जाए, तो स्टेट बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो उनके प्रेमिसेस, उनकी जगह को इंस्पेक्ट कर सकता है, उनके इक्विपमेंट को देख सकता है, हाँ भाई कौन कौन सी चीजें आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, क्या ऑपरेटर्स होंगे, आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, आपके बुक्स, रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, अकाउंट्स या ट्रांजैक्शन जो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है वो क्या होगा। किसी को डीपीएस बनाने से पहले, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बनाने से पहले, स्टेट बैंक ये हक रखता है कि उनके पूरे सिस्टम को जायजा ले कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान में एक पेमेंट सिस्टम को चला सके। बात समझ आई? स्टेट बैंक डेजिग्नेशन को रिवोक भी कर सकता है अगर एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, फॉर एग्जांपल इजी पैसा पहले से काम कर रहा है, कोई और सिस्टम पहले से काम कर रहा है, क्या स्टेट बैंक उनको मना कर सकता है? अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उन्हें मना कर सकता है? ये लॉजिकल बात है। रट्टे वाली बात क्या है, अगर डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम ने एक पेमेंट सिस्टम के तौर पर काम करना ही छोड़ दिया है, अब वो पेमेंट्स करते ही नहीं है, अब वो उस चीज को इस्तेमाल ही नहीं करते, इसका मतलब है वो बेकार हो चुके हैं, अब उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया है, तो उनका लाइसेंस रिवोक हो सकता है एक तरह से। ऑपरेटर ऑफ द डेजिग्नेटेड सिस्टम हैज नोइंगली फर्निश्ड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स टू स्टेट बैंक इन कनेक्शन विद डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम व्हिच इज और आर फॉल्स मिसलीडिंग इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर। उन्हें समझ आया कि वो बंदा, वो बीच में ग्रुप, वो कंपनी जो इस सिस्टम को चला रहे थे, उन्होंने हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, झूठ बोला था, हमें कहा था ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, जब हमने देखा तो उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन या तो उस वक्त गलत थी या भी गलत है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वक्त ऑपरेटर की प्रोवाइड की गई किसी भी इंफॉर्मेशन को गलत समझ लेते हैं, मुझे एक बात बताएं, एक अहम सवाल, ये ऑपरेटर में और डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम में फर्क समझ आ रहा है? स्कैन्स एक ऑपरेटर है और स्कैन्स का फीस रिसीव करने का तरीका का पेमेंट सिस्टम, डेजिग्नेटेड की बात नहीं करता, ये तो फिजिकल भी रिसीव कर रहे हैं, तो पेमेंट को रिसीव करने का जो सिस्टम है, जो निजाम बना हुआ है, वो पेमेंट सिस्टम या डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, और वो इदारा जो उस निजाम को कैरी कर रहा है वो ऑपरेटर। तो इजी पैसा किस तरीके पे काम करता है वो एक सिस्टम है पेमेंट का, और इजी पैसा नामी इंस्टीट्यूट जो कि टेलीनोर की मलकियत है वो ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर इंसान या इदारा है, बिजनेस है, और डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम या पेमेंट सिस्टम एक निजाम है, एक सिस्टम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। वापस इधर आते हैं, तो अगर ऑपरेटर ने जान के गलत इंफॉर्मेशन जमा कराई होगी तो ऑपरेटर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ऑपरेटर और सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ डीपीएस इज इन द कोर्स ऑफ बीइंग वाउंड अप। अगर ऑपरेटर ही वाइंड अप हो रहा है, या ऑपरेटर उन पेमेंट्स को जिस और बंदे के थ्रू रूट करता था, हो सकता है ऑपरेटर ने भी आगे से सिस्टम रखा होगा, उसने भी अपने पैसे किसी और पार्टी के पास रखवाए हो और उसके साथ उसकी सेटलमेंट चलती हो, तो ऑपरेटर या जो सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन है वो वाइंड अप हो रहे हो या डिजोल्व हो रहे हो, चाहे पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर कहीं, तो हमें खतरा ये लगेगा कि ये लोग अगर इनको इजाजत दे दी तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग ना जाए, तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अजान, हमें थोड़ा लेट पता लगा। एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डेजिग्नेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट हैज बीन कॉन्ट्रावेंट। ये एक ऐसा जुमला है जो आपको पेपर में कुछ ना याद आ रहा हो तो आप ये लिख सकते हैं कि कोई भी जगह पे कोई भी खिलाफ वर्जी हुई हो तो उनका लाइसेंस खत्म हो जाएगा। स्टेट बैंक कंसिडर दैट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट टू रिवोक द डेजिग्नेशन। इसका मतलब है काम की बातें दो तीन थी, बाकी कह रहे हैं स्टेट बैंक को ऐसा लगे वो गलत करें, वो गलत इंफॉर्मेशन जमा कराएं, वो काम करना छोड़ दें, वो वाइंड अप हो रहे हो। दीज आर द रीजंस जिसकी बेस पे एक इदारे की पेमेंट सिस्टम को, जब उन्होंने कहा था ना कि ये डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है,
आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं, आप कहते हैं मैंने ट्रांसफर करना है, जब आप ट्रांसफर करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं कि किस किस तरीके से ट्रांसफर करना है, किस किस, ये सब डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है। क्या भाई आप इन इन को ट्रांसफर कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो कई एप्स ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपने आपको इस तरह से रजिस्टर कर लेती हैं कि आप अपने मोबाइल से ही, अपनी बैंक की ऐप से ही उनको डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं या अपने जैस कैश से उनको डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक शैल नॉट रिवोक अ डेजिग्नेशन विदाउट गिविंग द ऑपरेटर ऑफ डीपीएस, ये समझ आया, ऑपरेटर ऑफ द डीपीएस एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ट। ऐसे में ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अचानक से स्टेट बैंक को गुस्सा लगे, उसे किसी ने शिकायत लगाई और जाके कहें जा बच्चे तेरा लाइसेंस कैंसिल। उनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा हम आपका लाइसेंस कैंसिल करने लग गए हैं, वो अपने कुछ पॉइंट्स बताएंगे, नहीं जी ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, ये देखेंगे। और उस सारी कार्रवाई के बाद अगर इन लगेगा कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। स्टेट बैंक हाउएवर स्टेट बैंक में सस्पेंड द डेजिग्नेशन ऑफ पीएस विदाउट नोटिस पेंडिंग द फाइनल ऑर्डर इफ एन इमीडिएट सिस्टमैटिक रिस्क इज इन्वॉल्व। अगर उन्हें लगता है ओहो रिस्क बहुत बड़ा है तो लाइसेंस कैंसिल नहीं करेंगे, उसे कहेंगे अच्छा जी तीन दिन के लिए हम आपके पेमेंट सिस्टम को सस्पेंड कर रहे हैं, सस्पेंड मतलब होल्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे। कैंसिल करने से पहले तो पूरी तहकीक जरूरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पे अचानक से लगे कि बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकती है या होने वाली है या हो चुकी है तो वो फौरन से उनको रोक सकते हैं और इसके लिए उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बी हर्ड प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज कैंसिलेशन से पहले ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है कि हाँ भाई उनको सुनवाई का मौका मिले। जी भाई ठीक है जी। एक बड़ा अहम सवाल कि जब लाइसेंस रिवोक करेंगे और उनके पास किसी का पैसा पड़ा होगा तो उसका क्या होगा, पूरा प्रोसीजर है हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगला पेन वो यही लेंगे ना कि उन पैसों का क्या होगा। फिर वो उनको हुक्म देंगे, फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदा नॉमिनेट होगा, फिर वो उनका हिसाब किताब देखेगा, उनकी एक प्रॉपर वाइंडिंग अप होगी, उनके जितने भी लोगों के पैसे ड्यू हैं वो दिलवाए जाएंगे, जो रह गए हैं फिर उस कंपनी के खिलाफ केस होगा, उस कंपनी का फिर वो जो मेंबर्स हैं अगर उनके जिम्मे कोई लायबिलिटीज है उनको पकड़ा जाएगा। आप लोग कैफ 7 में जब आएंगे तो वहां वाइंडिंग अप का एक पूरा प्रोसेस है, उधर से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। मजे की बात है उधर भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम ये पता लग जाएगा कि इदारे बंद करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग आके इदारे का कंट्रोल संभाल लेते हैं। तो अगेन हमारे सिलेबस में है बड़ा थोड़ा सा डिफाइंड, ये इन्होंने बस क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया है कि बिजनेस लॉ में लोगों को हल्का सा पता लग जाए कि छोटे छोटे से अलग अलग लॉज होते हैं, ताकि कल को आप किसी जगह बैठे हो तो आपको पता हो कि हाँ भाई इन तमाम चीजों के ऊपर पूरे कानून मौजूद है, कानून साजी हुई है। तो अगर कहीं कोई सिस्टमैटिक सा रिस्क लग रहा है, कहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का रिस्क है जो कि वो सिस्टम के अंदर छुपा हुआ है, तो वो कुछ देर के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं कि भाई 2 दिन तक आप लोग ऑपरेट नहीं करेंगे। हाँ लेकिन अगर सिरे से उनकी डेजिग्नेशन खत्म करनी है तो फिर बुलाएंगे, मुलाकात होगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके बाद फैसला होगा कि इनको बंद करें या ना करें। सस्पेंड किया जा सकता है बगैर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट के। ऐसे ही है, असल में लाइसेंस रिवोक होने के वही पॉइंट्स होने हैं ना, कि जहां हम बात करते हैं कि भी आपने शर्तें पूरी ना की हो, आपने गड़बड़ की हो, बेमानी की हो या कुछ और इस तरह से। बात समझ आई? याद क्या करना है, ऊपर वाले पॉइंट तो जनरल हैं 2 पॉइंट, नीचे वाले जो 5 बुलेट्स हैं ये अच्छी तरह से याद करना है। एम लॉ में जब भी इस तरह की लिस्ट आती है, लिस्ट ऑफ कंडीशन, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको याद कर लें। मैं बार बार एम लॉ कहता हूँ, असल में आप इसे बिजनेस लॉ कहते हैं, हम बिजनेस लॉ बड़े वाले पेपर को कहते थे, तो ये जो छोटे वाला पेपर है ये मर्केंटाइल लॉ होता है, लेकिन चले मैं आज तक सभी लोग कहने की आदत डाल रहा हूं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑपरेशनल अरेंजमेंट, ऑपरेटर ऑफ डीपीएस शैल एस्टैब्लिश द फॉलोइंग ऑपरेशनल अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट वो करेंगे, क्या अरेंजमेंट करेंगे, रूल्स एंड प्रोसीजर्स सेट कर देंगे जिससे ऑपरेटर के क्या राइट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग उनके पास पैसे रखवा रहे हैं या डील कर रहे हैं, उनके क्या क्या मामलात हैं, क्या क्या चीजें किस तरह से होंगी, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या कंट्रोल्स होंगे, क्या मेजर्स होंगे, क्रेडिट कैसे मैनेज करेंगे, लिक्विडिटी कैश के फ्लो को कैसे मैनेज करेंगे, सेटलमेंट ये जो पैसों की है ये किस तरह से होगी, रूल्स बनाएंगे जिसमें टाइम के किस वक्त पेमेंट इंस्ट्रक्शन हो, किस वक्त सेटलमेंट हो, यानी कि एक बंदे ने भाई आपने एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दी, आपने कहा मेरे पैसे उठा के वहां ट्रांसफर कर दो, कागजों में दिख गए, असल में आपका पैसा कब दूसरी तरफ जाएगा, क्या उसी सेकंड चला जाएगा, डे एंड पे जाएगा या महीने के एंड पे जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे आप कॉलेज के पास आए और कॉलेज से कहा मैंने पेमेंट जमा करानी है लेकिन मेरे पास कार्ड है, कॉलेज के मसले कोई नहीं, आपके सामने मशीन रखे हैं कि कार्ड स्वैप करें, आपने स्वैप किया, एक बैंक के पास पैसे चले गए, इनके बैंक के पास पैसे,
अब वो मशीन वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं पूरे महीने की आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी हम आखिरी दिन में उठा के आपको इकट्ठी वापस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि उनका रिसीट ऑनलाइन हो रही है, रियल टाइम पे हो रही है, लेकिन सेटलमेंट वो महीने बाद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब ऑपरेटर ने ये सारे रूल्स डिफाइन करने हैं, उसका सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा, लोगों से पैसे लेगा कैसे, दूसरों को ट्रांसफर कैसे करेगा, दरमियान में सेटलमेंट कब होगी, पैसे लेने और सेटलमेंट के दरमियान क्या टाइम होगा, रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, क्या कंट्रोल होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या तरीकाकार होगा, किसको मैसेज आएगा, कौन वेरीफाई करेगा, आईडी कार्ड दिखाना होगा नहीं दिखाना होगा। ऑब्वियसली जब इस सिस्टम ने काम करना है तो उसको अपने सारे कानून बताने कि क्या होगा, किस तरह से होगा। तो उसकी जेनेरिक बात कर रहे हैं। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसके ऊपर बात की जाएगी। इसका क्राइटेरिया क्या होगा, फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाएगा, कुछ कंटिजेंसी अरेंजमेंट कर लेंगे, बैकअप प्लान बना लेंगे कि अगर अचानक से हमारा सर्वर बैठ गया और लोगों का करोड़ों रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम अचानक से क्या करेंगे, क्या हम दूसरे सिस्टम पे चले जाएंगे, क्या हम अपना पैसा फिलहाल उठा के किसी और डीपीएस के पास रखवा देंगे, या हम अपने अल्टरनेट वेबसाइट पे चले जाएंगे जिससे फौरन से ही हम चंद सेकंड में अपने सारे डेटा को मूव कर ले। ये सारी बातें तय करनी पड़ेंगी। यानी कि इस लॉ ने हमें कुछ भी नहीं बताया, बाकी कुछ नहीं बताया, पूरा लॉ खत्म हो गया। सिर्फ ये बता दिया कि हाँ एक निजाम होता है, उस निजाम के कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, वो निजाम को निजाम के तौर पर रजिस्टर्ड स्टेट बैंक करेगा, किन शर्तों पे करेगा ये भी नहीं बताया। सिर्फ ये बताया कि अगर स्टेट बैंक कैंसिल करना चाहेगा हमारी रजिस्ट्रेशन तो वो किस तरीके से करेगा, और बाकी हमने दो तीन डेफिनेशन देखी। तो ये बेसिकली मजेदार सा लॉ है, आसान सा लॉ है और मोर ऑफ अ क्रैमिंग वाला लॉ है, लेकिन क्रैम भी वो कर सकता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की सेंस समझ आई हो। क्या आप लोगों को वो सेंस समझ आई है? अल्लाह खैर। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने 14 मिनट पढ़ा, ये जो हमारा पिछले दिन का वो गुज़िश्ता वो था। आज का टॉपिक क्या है, बहुत ही रोमांचक। सवाल तो हो चुके हैं, अब आप सवाल करेंगे तो वो तो काउंट ही नहीं होगा। चैप्टर अलोंग विद सारे पास्ट पेपर्स हमने डिस्कस कर लिया। ये चैप्टर पहली दफा पैदा हुआ है इसी सेशन में, तो इसके पास्ट पेपर है ही नहीं। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि हमने विद पास्ट पेपर इसे खत्म कर दिया। सीफेप में जो सवाल हैं वो ऑब्वियसली इतने बेसिक सवाल नहीं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है वो बड़ा दिल कर रहा था, मैं जब मिड टर्म के ऊपर वर्किंग हो रही थी तो बड़ा दिल था कि उसके ऊपर सवाल कोई फाइनल से उठा के डाला जाए, लेकिन फिर एहसास हुआ कि इधर तो उन्होंने शुगल किया है सर, तो फिर सवाल हम भी मतलब शुगल से थोड़ा सा दरमियाना सा। खैर इस वक्त हम गैर जरूरी बातें करेंगे, हमारा टाइम गुजर जाएगा। एक चीज थोड़ा नोट करने वाली है, जब मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग समझा दी उसके बाद उसको देखना कितना आसान हो गया, जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट समझा दी तो उसके बाद सिर्फ हम अंग्रेजी देखते जा रहे थे और हमें बात समझ आ रही थी। तो उसी तरह का तहम्मुल, सब्र और बुर्दबारी आपसे रिक्वायर्ड है। तो 5-1 मिनट मुझे ध्यान से सुन लें, डेटा प्रोटेक्शन का लॉ समझ आ जाएगा, क्योंकि इन सारे लॉ की ना एक थीम है और थीम के बाद किताब ने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया और डिटेल से सारी बातें नहीं बताई। तो थीम समझ आ जाए तो जिंदगी बड़ी आसान है। तैयार है? ठीक है। क्या आप 5 मिनट तक बगैर कोई सवाल पूछे मुझे बोलने का मौका देंगे? अल्लाह खैर करे, मैं आप पे भरोसा करने वाला हूँ, अल्लाह मुझ पे रहम करे। ठीक है जी, 1:23 हो रहे हैं, 1:28 तक आई होप के बगैर आप सवाल के गुजारा करेंगे। सर स्क्रीन ब्लैक है, एक दफा मैं जरा कंफर्म कर लूं, ये ना गड़बड़ हो जाए। ऑनलाइन के लोगों को सामने डेटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम लिखा नजर आ रहा है? आवाज आ रही है? कैमरा तो वैसे ही गायब है। डन है? यस सर, सबको यस आ रहा है। वो एक, हाँ एक रॉन्ग नंबर सर, 1:24 हो गए, अब 1:29 तक जो है वो आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका देंगे। हो सकता है मैं जल्दी आपकी सजा माफ कर दूं। डेटा प्रोटेक्शन, डेटा की हिफाजत। डेटा होता है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ चीजें। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में एडमिशन लेते समय आपने अपना नाम बताया, अपने फादर का नाम बताया,
अपना एड्रेस बताया, अपना फोन नंबर बताया और अपना सीआरएन बताया, वो सीआरएन जो किसी को पता लग जाए तो आपका रिजल्ट उसके सामने आया हो जाता है। आईकैप एक पीडीएफ की फाइल इशू करता है जिसमें लिखा होता है इस सीआरएन का ये मामला। नाम तो आप कह सकते हैं मेरे जैसे नाम के 100 और लोग हैं, लेकिन सीआरएन के तो 100 और लोग नहीं है। तो अगर कॉलेज के पास से ये डाटा लीक हो जाए कि इस बच्चे का ये सीआरएन है तो कितनी तकलीफ होगी आपको। एक हॉस्पिटल में मरीजों का सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, किस मरीज को क्या बीमारी है। एक बंदा जो दुनिया के सामने जो है वो बड़ा ही प्रूडेंट इंसान बनने का दावा करता है जबकि असल में उसको दिमागी बीमारी हो, उसका इलाज जारी हो, और ऐसे में कहीं उसका अस्पताल के रिकॉर्ड से उसका डाटा निकाल के कोई फेसबुक पे डाल दे, कहे इस पे भरोसा मत करो ये तो दिमागी मरीज है। सोचो उस बंदे के साथ कितना बुरा हुआ है। उस बंदे ने हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करके अपना डाटा उनके हवाले किया, आपने कॉलेज पे ट्रस्ट करके कॉलेज को अपना डाटा हवाले किया था। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपका डाटा ये एक्सपोज कर देंगे, आपका डाटा ये किसी के हवाले कर देंगे आपसे बगैर पूछे। आपके कुछ राइट्स हैं, आपका राइट है कि आपका डाटा महफूज हो, आपके राइट है कि आप अपना डाटा अपडेट कराना चाहें आप अपडेट कराएं, आपका ये राइट है कि जब आप सिस्टम छोड़ें तो आप कहें मेरा डाटा डिलीट कर दिया जाए, मैं सिस्टम से जा चुका हुआ हूं, अब मैं आपका कंज्यूमर नहीं हूं, तो काइंडली मेरा डाटा उड़ा दें क्योंकि मुझे खौफ है कि ये डाटा कहीं लीक ना हो जाए। तो आपके ये सब राइट्स हैं, ये सब आपके ह्यूमन राइट्स में आते हैं कि आपका डाटा, वो डाटा जो आपके अलावा और उन लोगों के अलावा जिनको वो डाटा चाहिए था किसी और को नहीं पता। तो इसी तरह से आपके NIC, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, बैंक में आपके पैसे पड़े हुए हैं, दोस्त आपसे पैसे मांग रहा है, आप कह रहे हैं यार तुझे तो पता गुर्बत बड़ी है पैसे कोई नहीं है। आपका ऐसे में अगर बैंक स्टेटमेंट पब्लिक हो जाए, अगर लोगों को पता लग जाए कि आपके बैंक में थोड़े से पैसे रखे हुए हैं और दोस्त को आपने कहा था बिल्कुल नहीं रखे हुए, तो कहने का मतलब है जो बैंक आपका डाटा मेंटेन कर रहा है, जो हॉस्पिटल आपका डाटा मेंटेन कर रहे हैं, जो कॉलेज आपका डाटा मेंटेन कर रहा है, जो नादरा आपका डाटा मेंटेन कर रहा है, इन सबको एक लॉ फॉलो करना है जो कि डाटा प्रोटेक्शन को डील करता है। कंज्यूमर्स का डाटा कीमती है। अब मैं कंज्यूमर्स को चेंज कर दूंगा, डाटा सब्जेक्ट का डाटा इंपॉर्टेंट है। आप डाटा सब्जेक्ट्स हैं, आप सब लोगों का जो डेटा है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आप लोग हैं डेटा सब्जेक्ट। आपका वो डेटा प्राइवेट होना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, और जरूरत पड़ने पे आप उसको खत्म करवाना चाहें तो खत्म भी कर सके। अगर कोई इदारा आपसे पूछे बगैर आपका वो डेटा जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है वो शेयर कर दे, अब आपका जो नाम है वो पब्लिक डेटा है, सबको पता है कि हाँ भाई आपका नाम क्या है, लेकिन आपका आपकी शनाख्ती अलामत क्या है, आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है, वो तो वैसे ही बड़ा पब्लिकली इस तरह का डेटा है, लेकिन अगेन आपके कुछ और वेरिएबल्स, आपके पिछले कौन कौन से एड्रेस थे, आपने कितनी दफा घर बदला, कितनी दफा नादरा को अपने घर बदलने की रिक्वेस्ट बताई और उनको बताया कि मेरा एड्रेस चेंज करना है, वो तो नहीं सबको पता। आपका फोन नंबर आप कॉलेज को इसलिए देते हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाए, और ऐसे में कॉलेज के अंदर से ये ग्रुप आपके ग्रुप नंबर निकाले और आपको कॉल्स कर करके परेशान करे, आपको मैसेजेस फॉरवर्ड करे, आपको तकलीफ दे, किसी भी जगह से किसी भी कॉलेज के आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाए। इस वक्त हर कॉलेज के हर बच्चे को हर कॉलेज के मैसेज आते हैं। तो क्यों हो रहा है ये? क्या आपने इजाजत तो नहीं दी किसी जगह पे? क्या आपने किसी जगह किसी ऑनलाइन वेबिनार को ज्वाइन करते हुए ये तो नहीं कहा ये मेरा नंबर है, अगर रब्ता करना हो तो कर लेना? जब आपने नंबर वहां दिया था तो नीचे लिखी हुई शर्तों को पढ़ा था? नो सर, उसमें लिखा था कि ये नंबर यहाँ देने का मकसद ये है कि मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि मुझे अपडेट्स के बारे में गाहे बगाहे आगाही दी जाए। अगर वहां ऐसा नहीं लिखा और आपने उसको एग्री नहीं किया और एक वेबसाइट या कोई और सिस्टम आपको आपकी इजाजत के बगैर मैसेज करता है, तो सबसे पहले ये देखें कि आपका डाटा कहाँ पड़ा हुआ था और जहां पड़ा हुआ था उन्होंने उसको लीक क्यों किया आपकी इजाजत के बगैर। बात समझ आ रही है? अगर आपका एक नंबर है जो आपने सिर्फ कॉलेज को दिया, उसके अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उस नंबर पे आपको मार्केटिंग के मैसेजेस आ रहे हैं, चलो मार्केटिंग के रैंडम आ सकते हैं, लोग क्या करेंगे सॉफ्टवेयर रैंडमली चलाएंगे और वो नंबर्स पे आ जाएगा, लेकिन आपको वो मैसेज आ रहे हो जो कि आपकी एन फील्ड के, तो आपको पता लग जाएगा ये रंग नंबर है, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि आप कहेंगे नहीं वो सेशन भी बड़ा कीमती है और उसको ज्वाइन करने के लिए ईमेल भी चाहिए, तो ईमेल दिया तो उस ईमेल पे फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आती है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको ऐसी ईमेल आए जरा नीचे देखा करें, वहां लिखा होता है कि अगर आप इसको अनसब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर दें, क्योंकि आपने हमें डाटा दिया था इसलिए हम आपको ऐसा भेज रहे हैं, लेकिन इफ यू आर गेटिंग ऑफेंडेड, आपको बुरा लग रहा है, आपकी जाती लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप तंग हो रहे हैं, आपका मेल बॉक्स भर रहा है हमारी वजह से, हम माजरत खोएं, आप अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर दें, आपको दोबारा हम तंग नहीं करेंगे। यही होता है जब आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो कहता है ये ऐप आपसे डाटा मांगेगी,
ये डाटा मांगेगी, आप इजाजत देते हो तो ये ऐप इंस्टॉल होगी। अगर आप कहते हो नहीं भाई ये मेरा बड़ा कीमती डाटा है तो ठीक है फिर हम आपको सर्विस नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये डाटा चाहिए, लिखा होता है हम आपका डाटा कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और आप ये अलाउ करते हैं कि आपके सिस्टम में आपके कॉन्टेक्स्ट में से इन्फॉर्मेशन उठा के हम यूज कर सकेंगे, इस हद तक उन्हें एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि इंटरनेशनली डाटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं जो कि कस्टमर के, कंज्यूमर के या डाटा सब्जेक्ट के डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। बस इतनी सी बात है, आप अलाउ करते जाते हैं तो फिर उसके बाद तकलीफ में आने का हमें हक नहीं, यानी कि उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि हम कहेंगे जी मेरी इजाजत के बगैर मेरी पर्सनल लाइफ को किसी ने क्यों तंग किया, मुझे क्यों तकलीफ दी, क्योंकि हमने खुद परमिट किया होता है। ओए होए नहीं सर नहीं लिखा हुआ होता, कुछ जगह उन्होंने कहा जी कहीं नहीं लिखा हुआ होता, ये ध्यान से पढ़ने वाली बात है। अरे ये जो टैग किया साफ करने वाले मैसेज आ गए हमने तो नहीं अलाउ किया, हमने अलाउ नहीं किया होता ये पब्लिक मैसेज, ये जो टंगियां साफ करने वाले मैसेज या फलाना, देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा अगर आपको अपनी फील्ड से रेलेवेंट मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है डाटा लीक हुआ है। लेकिन रैंडम मैसेज कैसे आता है, एक बंदा सॉफ्टवेयर खोलेगा, सॉफ्टवेयर को कहेगा लाहौर का 032142 से शुरू हो रहे हैं नंबर फॉर एग्जांपल, आगे इतने कॉम्बिनेशन है 10,000 मैसेज पे लगा दिया, अब सिस्टम ऑटोमेटिकली 42 के आगे नंबर जनरेट करता रहता है और नंबर्स पे मैसेज कर देता है। तो इस तरह के मैसेजेस जो है वो रैंडम तरीके से होते हैं, और ऐसे में आप उनको पकड़ने की भी कोशिश करें तो वो सिम भी उस मैसेज के बाद बंद हो जाती है, या मुझे इजी लोड की जरूरत है। कौन होता है वो करेक्टर इजी लोड वाला, सबा, सबा को इजी लोड चाहिए होता है और आपको मैसेज करती है, और वो सबा हरगिज नहीं होती और वो हमेशा अस्पताल में होती है, ठीक है। और इसकी वजह से वाकई कोई बेचारा किसी तकलीफ में हो तो वो बेचारा जो है ना, अगर लेकिन जो तकलीफ में होता है ना वो इतने रैंडम लोगों को मैसेज नहीं करता, वो फिर अपने आसपास के लोगों को मैसेज करेगा, ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर चला दे के 10,000 लोगों को मैसेज चला जाए, आधे लोग इस बात पे इमोशनल हो जाएंगे कि उसकी माँ बीमार है, आधे लोग इस बात पे इमोशनल हो जाएंगे कि वो सबा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग जो है वो बीच में जोश में इंसानियत के नाते से जो है उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे और सबा सबके पैसे लेके फरार हो जाएगा या हो जाएगी वगैरह वगैरह। ले जी कानून देखते हैं, कहानी आपको समझ आ गई, डेटा प्रोटेक्शन समझ आ रहा है, आपका डेटा कीमती है, आपकी इजाजत के बगैर लीक नहीं होना चाहिए, और जो भी आपके डेटा को रख रहा है उसको ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले उसी तरह का तारुफ याद है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में, जनरल डिस्कशन आए देखते हैं। वो कहते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की पाकिस्तान में जो कानून साजी है वो ड्राफ्ट स्टेज में, ड्राफ्ट समझते हैं अभी ना मुकम्मल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस वक्त पाकिस्तान में हमें आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ है कि डेटा प्रोटेक्शन भी एक अहम चीज है, तो पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन पे पाकिस्तान में कानून साजी जारी है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2020 अभी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। कंसल्टेशन ड्राफ्ट ऑफ द बिल इज अवेलेबल एट वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, उन्हें का अगर आप पढ़ना चाहें तो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि लॉ के बच्चों को ये, बस ठीक है बताएं कानून ये ऐसे, ये पूरी कहानी है, कहते हैं जरा फैलाने उसे, और फैलाने के बाद भी दो सफे से ऊपर नहीं जा पाता बेचारों से। द बिल प्रपोजेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, अभी तक काम की बात ये पता लगी कि जो डेटा प्रोटेक्शन का लॉ आ रहा है वो एक नई अथॉरिटी को जन्म देगा जिसका नाम होगा PDPA, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, PDPAP, पडपप, ठीक है। इस तरह के अलग अलग नाम होते हैं, आप कुछ जगह पाकिस्तान साथ यूज होता है कुछ जगह नहीं होता, तो आप इसके अथॉरिटी का क्या करेगा, पर्सनल डेटा को किसी लॉस या मिसयूज से प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि डेटा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है और कंप्लेंट्स को कैसे डील करना है। फिर उन्हें याद आया कि अच्छा अच्छा बच्चों को गैर जरूरी बातें बता ही रहे हैं तो चलो कुछ और बातें भी बताते चले। उन्होंने कहा जी वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 ने भी कुछ बातें डेटा प्रोटेक्शन पे की। अब असूलन ये मतलब ऐसा एक तबसरा है, पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 भी प्रोवाइड्स करता है फॉर सिक्रेसी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड वॉलेशन इज पनिशेबल। उन्होंने कहा वो जो इलेक्ट्रॉनिक फंड वाला लॉ है वो भी ये कहता है कि देखो, देखें इलेक्ट्रॉनिक फंड वाले उन्होंने क्या किया, आपसे आपके डेबिट कार्ड की डिटेल मांगी है,
ये डेबिट कार्ड की डिटेल अगर कहीं भी चली गई तो उससे तो कभी भी कितनी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। तो कितना सेंसिटिव है आपका वो पर्सनल डाटा कि वो डाटा आपकी इजाजत के बगैर यूज ना हो सके। इवन आप अपने ही ऐड हुए हुए डेबिट कार्ड की बेस पर दोबारा से कोई पेमेंट करना चाहें वो आपसे कंफर्म करता है कि ये आपका हमारे पास सेव है, अगर आप अलाउ करते हैं तो हम इसकी पेमेंट करें। अक्सर बैंकों ने उसमें फिर वन टाइम पासवर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी रखा हुआ होता है कि ठीक है जी एकदम से एक ओटीपी जनरेट हो आपके मोबाइल में आए ताकि कहीं कोई गलत बंदा आपके कंप्यूटर से लॉग इन करके कहीं उसको ना कर रहा हो, तो एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है कि आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाती है। टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009 ने भी सब्सक्राइबर्स को राइट दिया है कि वो कंप्लेंट ले कर सकते हैं कि जी टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं, जो टेलीफोन कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज हैं, इन्होंने क्यों हमारा डाटा किसी को दिया है। द कंप्लेंट इज लॉज इन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए के पास कंप्लेंट लॉज होती है। इलीगल प्रैक्टिसेस से मुराद है इलीगल यूज ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर के डाटा को गलत तरीके से अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो सब्सक्राइबर्स यानी के ये जो सार्फीन है टेलीफोन के वो बता सकते हैं पीटीए को कि जी फलाना पाकिस्तान के मोबाइल नेटवर्क ने हमारा डाटा लेके उसको गलत हाथों में दे दिया और हम उसको पुरजोर मजम्मत कर दें। इस पूरे सफे में सिर्फ तबसरा है। अभी तक इन्होंने हमारा जो लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वही चीज जो काम की पूरे पेज पे है वो एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन और अवेयरनेस दोनों पे काम करेगी। भाई प्रोटेक्शन तो एक और चीज है, प्रोटेक्शन उनकी हो जिनको पता हो कि अहम चीज है, कुछ को तो पता ही नहीं कितनी अहम चीज है उनको बताना है। जैसे आप लोगों ने कहा सर हम तो ओके करते जाते हैं तो मेरे जिम्मे है कि मैं आपको बताऊं कि भाई जान नहीं ओके करना होता, और फिर अगर ऐसे ओके कर दें तो फिर उसके बाद अगर आपको कोई तंग कर रहा हो या आपका डाटा इस्तेमाल हो रहा हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने ये इजाजत दी थी। जी यहाँ से कोई भाई कुछ कह रहे थे। जी फेसबुक अगर डाटा शेयर करती है या व्हाट्सएप डाटा शेयर करता है तो वो 100% आपसे पूछते हैं। आप उनको हमेशा अलाउ करते हैं क्योंकि आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के 6 सफे वाली फाइल तो कभी भी नहीं पढ़नी होती। इवन देन आपको डाटा शेयर करते हुए भी जब आप खुद भी पब्लिकली डाटा शेयर कर रहे होते हैं वो आपको ऑप्शन देते हैं क्या पब्लिक को दिखाना है, क्या चंद लोगों को दिखाना है, किस तरह से। तो ऐसे में मतलब जो है ना ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। फर्ज करें इंटरनेट पे आप शेयर कर रहे हो कि देखो आईकेएफ ने कितना जुल्म किया, 47-47 पे दोनों पेपर फेल हो गए, देखें आईकेएफ कितना जालिम है, और घर में अब्बा जी को बताया हुआ कि दोनों पेपर पास है और अब्बा जी आपके फेसबुक पे फ्रेंड भी हो तो हो सकता। अब एक तरफ आपकी नीड है कि आपको मजलूम बनना है फेसबुक के सामने दुनिया के सामने, और एक तरफ आपकी नीड है कि अब्बा जी को आपने झूठ बोला हुआ है। तो झूठ तो कभी ना कभी पकड़ा जाता है, वो तो बात ही गलत है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप चाहेंगे कि सही हो या गलत हो डेटा आपका है। अगर आपके एक दोस्त को नहीं पता आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं तो जब तक आप नहीं चाहते उसे नहीं पता लगना चाहिए असूलन, अनलेस कि उसके पास आपका वो वाला डाटा है जो सिर्फ आपके पास है आपका CRN। हम नॉर्मली अक्सर वेबिनार करते हैं तो लोगों से डाटा मांगते हैं तो CRN बड़े कम लोग फिल करते हैं, उन्हें डर लग रहा होता है कि शायद हम उनका रिजल्ट पब्लिकली अवेलेबल ना कर दें। हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन बहरहाल दिस इज गुड कि आप थोड़ी सी एहतियात करें अपने पर्सनल डाटा को लेकर। दिस इज गुड कि जहां पे भी आप अपना ऐसा कोई डाटा दें जो आप नहीं चाहते कि कभी आपकी इजाजत के बगैर कहीं जाए, दिस इज गुड कि आप उसको पढ़ें, सारा पढ़ें, उनके फॉर्म को पढ़ें वो क्या कह रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब होता है आप जिस जगह क्लिक कर रहे होते हैं उस जगह लिख रहा होता है आई एग्री हियर बाय, जिस जगह का भाई ने जिक्र किया मैंने पैरा डाला हुआ होता है वहां कि जब तक कंज्यूमर इजाजत नहीं देगा, पैरा इंतहाई करीब करके डाला होता है ओके के बटन के साथ कि कम से कम वो ये पैरा पढ़ ले, पूरी नीचे वाली अंग्रेजी ना पढ़े, ये पढ़ ले जिसमें लिखा हुआ है कि भाईजान अगर दे दिया डाटा ना तो फिर मैसेज भी आ रहे। खैर वापस इधर आते हैं। डाटा प्रोटेक्शन का सरसरी सामने जायजा लिया, आगे आपको खुशी होगी देख के डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है। असूलन इस पे मेरा तो एक स्माइली होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ मुस्कुराना है। लेकिन अगेन वही बात है कि मेरी एक नीड है कि आप लोगों को समझाया जाए फिर आप रट्टा मारें। डेटा सब्जेक्ट कौन होता है भला? वो कंज्यूमर, वो नेचुरल पर्सन हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द पर्सनल डेटा। वाह बड़ा बता दिया, डेटा सब्जेक्ट वो पर्सन है जो सब्जेक्ट है एक डेटा का। तो इसका मतलब यह है कि वो एक इंसान जिसका डेटा, जिस इंसान के डेटा की बात हो रही है ना, वो इंसान डेटा सब्जेक्ट है। पर्सनल डेटा इसका वो डेटा है जिस डेटा की बात हो रही है। उस डेटा में क्या है,
डायरेक्टली एंड डायरेक्टली एक डेटा सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन विद हु इज आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइबल फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे आपको पहचाना जा सके कि आप कौन है, वो आपका पर्सनल डेटा है। आपका वो सारा रिकॉर्ड जो आपने कहीं पे दिया हुआ है, कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर, CRN नंबर, किसी जगह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, आपका कोई ईमेल एड्रेस है, आपका कोई फेसबुक आईडी है, हर वो चीज जिससे आपकी शनाख्त हो सके, वो आपका पर्सनल डेटा है। और फ्रॉम दैट एंड अदर इंफॉर्मेशन इन द पोजेशन ऑफ अ डेटा कंट्रोलर, यानी कि ऐसा डेटा जो किसी डेटा कंट्रोलर के पास पड़ा है जिससे आपकी डेटा की पहचान हो सके, इसमें इंक्लूड करता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा। लेकिन कभी कभी एनोनिमस को हम पर्सनल डाटा नहीं कहेंगे, जैसे आपने कहा कि हमें वाटर टैंकी साफ करा लो वाला मैसेज आ गया। अब उन्होंने अगर वो डाटा आपको भेजा तो उन्होंने एनोनिमस बेसिस पे भेजा, उनको नहीं पता आप कौन है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर चलाया, चंद नंबर रेंडमली जनरेट किया और उनके ऊपर मैसेज कर दिया, तो ये आपके पर्सनल डाटा की वॉयलेशन नहीं है। जब आपको एनोनिमस बेसिस पे, एनोनिमस का मतलब होता है जो बेनामी है, जो किसी नाम पे नहीं है, जो बगैर किसी शनाख्त के उन्होंने बस रेंडमली भेज दिया। हाँ, अब अगर एक आपको आता है कि हेलो मिस्टर फलाना और आपका वो नाम उन्होंने वहां से उठाया है और आपका ईमेल एड्रेस आपके नाम को वाजे नहीं कर रहा, तो फिर तो गड़बड़ है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपसे, आप गूगल का अकाउंट बनाते हैं तो गूगल आपसे परमिशन लेता है कि चूंकि बहुत सारे लोग फेक अकाउंट भी बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें अपना नाम भी बताएं और आपका ईमेल लोगों को शो नहीं होगा, जब उनके पास आपकी ईमेल आएगी उनको आपका नाम शो होगा। तो ऐसे में आपकी ईमेल से आपके नाम की आइडेंटिफिकेशन, ये गूगल ने आपसे इजाजत ली हुई है। हाँ, किसी ने गूगल से डाटा लिया और इस्तेमाल किया तो इस पे गूगल पे केस हो सकता है, और गूगल ने यकीनन आपसे 4-5 ऐसे टिक जरूर लगवा लिए होंगे जिसके बाद गूगल के पास ये इजाजत होगी। भाई, एडवर्टाइजर्स को आपका डाटा देना, आप एक दिन गूगल पे कहीं सर्च करें 15,000 का मोबाइल लेना है या फलाना स्पेक्स वाला मोबाइल, अगले 2-3 दिन के बाद आपको मुसलसल एड ही मोबाइल्स के नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आपके डाटा को ट्रैक करते हैं, उसकी बेस पे एडवर्टाइज करते हैं और उसकी बेस पे आपको बता रहे होते हैं। इवन आपको कोई वीडियो देखते देखते जो इश्तिहार आता है, ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से कोई कोरियन या अफ्रीकन या स्पेनिश इश्तिहार आ जाए, आपको पाकिस्तान का एक रेलिवेंट ऐसा इश्तिहार आता है जो कि आपसे ताल्लुक रख रहा होता है। एक बच्चे ने एक दफा कंप्लेन की, उन्होंने कहा सर वो आपके यूट्यूब चैनल पे ना, वो मैं जाता हूँ तो वो मतलब ना सर वो बड़ी अजीब सी बात है, वो मैं आपको बताना चाह रहा था, आपका यूट्यूब चैनल ना गलत वीडियोस दिखाता है एड्स में। लेक्चर चल रहा है, बीच में एक अजीब सा नामुनासिब सा एड आ जाता है। उसने कहा सर मैं बहुत ऑफेंड होता हूँ क्योंकि मैं एक बड़ा इस्लामिक वो रखता हूँ, बिलीव रखता हूँ, तो ऐसे में वीडियो के दौरान जब अचानक से गैर मुनासिब इश्तिहार आ जाता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो काइंडली सर इसको जरा देखें, उनको कहें कि ऐसा ना किया करें। मैंने उसको रिप्लाई किया कि असल में पीछे एक प्रोटोकॉल होता है, वो आपकी सर्च हिस्ट्री और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से यूट्यूब गूगल के साथ मिलके कंज्यूमर को वो इश्तिहार दिखाता है जो उसकी जाती प्रेफरेंस हो। मैंने फिर उसे कहा, मैंने कहा आप अपनी हिस्ट्री डिलीट करें, कैशे क्लीन करें और दोबारा ऐसी एक्टिविटीज ना करें, तो उम्मीद है आपको बड़े अच्छे इश्तिहार नजर आने पर। तो ऐसा है, ये आपका पर्सनल डाटा यूज करते हैं, तो पर्सनल डाटा को यूज करके फिर आपकी प्रेफरेंस को समझते हैं कि ये कंज्यूमर चाह क्या रहा है। उसका जवाब कुछ नहीं आया, उसे समझ आ गई, मतलब उसने कहा कि सर का चैनल ही गंदा होगा ना, गंदी गंदी चीजें दिखा रहा है चैनल ने, तो मतलब हर बंद वो तो आईना है, मतलब उस पर कोई बहुत ही मजहबी बंदा आएगा तो उसके बीच में शायद किसी मजहबी इवेंट के उसको इश्तिहार आ रहा होगा, जी फलाना जगह कतर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस्लामिक इवेंट है, आप जरूर आए, बड़ी जबरदस्त चीज है। उसे समझ आ गई, उसके बाद वो गायब हो गया, उसका पर्सनल डाटा जो है फिर मैंने शेयर नहीं किया। देखिए, मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, नाम नहीं इस्तेमाल किया बच्चे का। अब अगर मैं कहूं कि फलाना नामी शख्स ने फलाना वाली फेसबुक पोस्ट के उस वाले कमेंट में उस तारीख को ये कहा था, तो ये उसका पर्सनल डाटा है जिसकी वजह से उसको पहचाना जा सकता है। आप जा सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, अच्छा ये कौन बंदा था। तो समझ आ रहा है पर्सनल डाटा क्या है। पर्सनल डाटा जल्दी से बस इन डेफिनेशंस को देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1.5-2.5-3-5-7 मिनट है। अच्छा जी, एनोनिमस डाटा इसमें काउंट नहीं होगा।
एनक्रिप्टेड डेटा इसमें काउंट नहीं होगा। आपने कॉलेज को अपना डेटा दिया, आपने कहा ये मेरा सीआरएन, और कॉलेज वालों से पूछा हाँ जी आप इसको महफूज कैसे रखेंगे, उन्होंने कहा हम इस पे एनक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर चला देंगे। उन्होंने सॉफ्टवेयर चलाया, उसके बाद अजीब अजीब से करेक्टर सामने आ गए। अब ये डेटा अगर किसी के पास जाता है तो दिस इज नॉट आपका पर्सनल डेटा की लीक। ये ऐसे ही है जैसे जो है वो आप कहीं पासवर्ड डाल रहे हो और अचानक से आपका दोस्त आ जाए और आप आखिरी करेक्टर पे और एकदम से देख ले पासवर्ड क्या है, लेकिन उसे सामने नजर क्या आएगा, सितारे या गुलदारे। ये क्या कर रहे हैं, एनक्रिप्ट कर रहे हैं। आप जैसे जैसे पासवर्ड एंटर करते जाना उसको एनक्रिप्ट कर रहे हैं, ताकि आपके साथ अगर एक बंदा आके बैठ के देख रहा हो कि सामने स्क्रीन पे क्या आ रहा है, तो उसको सितारे या गुलदारे नजर आ रहे हो। फिर एक ऑप्शन उन्होंने दिया होता है कि इस बटन पे क्लिक करके आप अगर खुद देखना चाहें कि आपने क्या एंटर किया है, तो ये बटन पे क्लिक करें, और वो क्लिक भी ऐसा होता है कि क्लिक किए रखिए तो नजर आएगा, छोड़ दें तो खत्म हो जाता है। इस हद तक ये वेबसाइट्स ख्याल करती हैं कि आपका पर्सनल डाटा, आप देखें ना, हमने तो कभी भी नहीं इतना इस तरह से सोचा, बट दे थिंक कि उनके पास एंटर किया हुआ हर डाटा कीमती है। तो इस तरह का जो एनक्रिप्टेड डाटा है वो पर्सनल डाटा में नहीं आता। एक सोखा सा वर्ड, ये पी गाइप करके आपने पढ़ना है जी, स्यूडोनिमाइज्ड डेटा। ये कौन सा डेटा है, एक ऐसा डेटा है जिसको रिप्लेस कर दिया जाता है कुछ फेक एंट्रीज के थ्रू। कॉलेज को आपने कहा मेरा रिकॉर्ड निकाल दें, मैं जा रहा हूँ कॉलेज छोड़ के, मैं सीए छोड़ के जा रहा हूँ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं बस तंग आ गया हूँ, मैं बहुत अवजार हो गया हूँ, मेरा रिकॉर्ड गायब कर दिया जाए। अब कॉलेज वालों को पता है कि अगर आपकी रो डिलीट की तो उनकी सारी अकाउंटिंग, सारी कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाएंगी। आपकी अमाउंट उनको आज से चार साल बाद भी चाहिए कि चार साल पहले इस सेशन में कितने बच्चों ने कितने रुपए का एडमिशन लिया था, लेकिन आप कहते हैं मेरा डाटा आप गायब कर दें। कॉलेज वाले एक भी चीज डिलीट करें तो उनको एरर आ जाता है कि ये फील्ड जब तक खाली रहेगी तब तक हम आपके डाटा को प्रोसेस नहीं करेंगे। तो क्या करें, वो आपकी ईमेल को गायब करके कर दें a@a.com, आपके फोन नंबर को गायब करके कर दें 9999 इस तरह से करके, आपके सीआरएन की जगह कर दें 11111 इस तरह से। ये फेक डाटा जो उन्होंने आपके ओरिजिनल डाटा से रिप्लेस किया, अब ये डाटा आपका पर्सनल डाटा नहीं कहलाएगा। तो वो बताना चाह रहे हैं कि एनोनिमस डाटा, एनक्रिप्ट हुआ हुआ डाटा जो कन्वर्ट हो गया, और ऐसा डाटा मैंने इसके साथ रेड में लिख दिया आपको समझाने के लिए, ये ओरिजिनल डेफिनेशन में ये अल्फाज नहीं लिखे हुए, आपको सिर्फ समझाने के मैंने लिख दिया कि विच इज रिप्लेस्ड विद आर्टिफिशियल डाटा विच इज इनकेपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एज इंडिविजुअल इज नॉट पर्सनल डाटा। तो पर्सनल डाटा वो है जिससे आपकी शनाख्त हो सके, वो नहीं है जिससे आपकी शनाख्त ना हो सके। तो सबसे पहले हमने समझा डेटा सब्जेक्ट कौन है, फिर हमने समझा पर्सनल डेटा कौन सा। पर्सनल डेटा वो डेटा है जिससे आपकी पहचान हो सके, और वो डेटा नहीं है जिससे आपकी पहचान ना हो सके। अब वो है कौन सा डेटा, छोटी सी बात है, बस इस पेज पे रहेंगे हम आगे नहीं जाएंगे, कम से कम इतना तो पढ़ लें। डेटा रिलेटिंग टू एक्सेस कंट्रोल, आपके यूजर नेम, आपके पासवर्ड, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की डिटेल, आपके पासपोर्ट की डिटेल, बायोमेट्रिक का डाटा, फिजिकल आपके रिकॉर्ड, आपके हाइट क्या है, आपका ओवरऑल वेस्ट क्या है, इवन ये भी आपका सेंसिटिव डाटा है। हो सकता है आपने फेसबुक पे बताया हो कि मैं तो बहुत पतला इंसान हूँ और आपकी असल वेस्ट जो है वो 40 पे पहुंची भी हो, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। आपका साइकोलॉजिकल डाटा, मेंटल हेल्थ की कंडीशन, मेडिकल रिकॉर्ड एंड एनी डिटेल पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल्स, एथनिसिटी, रिलीजियस बिलीव, आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आपकी रिलीजियस थॉट क्या है, आप किस मजहब, किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, और एनी अदर इंफॉर्मेशन फॉर पर्पज ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, ये सारा डाटा कहलाएगा आपका सेंसिटिव पर्सनल डाटा। कोई भी वेबसाइट आपसे जब एथनिसिटी है कि आपका रीजन क्या है, आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं, तो किस इलाके की हैं, किस मजहब की हैं, किस स्कूल ऑफ थॉट की हैं, किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, फेसबुक पे जब सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपसे पूछता है कि इसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन आप दुनिया को शो करना चाहते हैं, इवन आप अपना फोन नंबर पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं, आप अपनी अदर डिटेल्स पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो जो आप चाहेंगे वो पब्लिक होगा, आपकी इजाजत के बगैर फेसबुक आपकी ये इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करेगा। कंसेंट ऑफ डेटा सब्जेक्ट, वो जो डेटा सब्जेक्ट है उसकी इजाजत जरूरी है, ये सारी बातें वही हैं, सिर्फ हम उसकी इंग्लिश देख रहे हैं। एनी फ्रीली गिवन स्पेसिफिक इन्फॉर्म्ड एंड अनएम्बिगुअस इंडिकेशन, जो आपने आजादी जहन से दी, खास तौर पे इन्फॉर्म तरीके से, वाजे तरीके से, बगैर किसी डाउट के जब आपने इंडिकेट किया, डेटा सब्जेक्ट ने जब अपनी विश का इजहार किया, बाय विच ही और शी बाय अ स्टेटमेंट और बाय अ क्लियर अफर्मेटिव एक्शन सिग्निफाई एग्रीमेंट टू द कलेक्टिंग, ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा रिलेटिंग टू हिम और हर, वो जो आप ऐप इंस्टॉल करते हैं वो आपसे कहते हैं एग्री, आप कहते हैं एग्री।
वो पीछे जो सारी अंग्रेजी लिखी होती है, तो आपका ये एग्री पे क्लिक कर देना है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाय कंफर्मिंग टू दिस आप इजाजत दे रहे हैं कि आपका कॉन्टेक्ट डिटेल हम ले लें, आपकी ये वाली डिटेल हम हासिल कर लें और आपकी ये वाली डिटेल हम हासिल कर लें। तो जब आप एग्री कर रहे हैं तो दिस इज कंसेंट ऑफ डेटा सब्जेक्ट, आप डेटा सब्जेक्ट हैं, आपने दे दी है कंसेंट। जी अनएम्बिगुअस मतलब एम्बिगुअस नाउ, डाउट वाला नाउ, यानी कि वहां लिखा हुआ यस या नो, तो आप ढूंढ रहे तीसरी ऑप्शन कहां गई, शायद हाँ शायद नहीं पता नहीं देखते हैं, तो ऐसा नहीं, बड़ा क्लियर कट मतलब एब्सोल्यूट आपने कहा हाँ जी मैं डाटा शेयर करना चाहता हूँ, मैं इजाजत देता हूँ, तो उसमें कोई डाउट और इस तरह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम दोबारा उसी दो राय पे आ गए हैं जहां हम कल आए थे, जहां मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि बात 5 मिनट की रह गई है, सोच लें 5 मिनट पहले पूरे हो, कल जुम्मा भी है। ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा सा नो आया, सामने वाली चीजों को, कल जुम्मे को तो चैप्टर कंप्लीट होना है ना, असल में आगे तो शुगल है, पर्सनल डेटा समझ आ गया तो पीछे रह गया क्या। चले खैर है, कोई बात नहीं, घबरान तो है नहीं ना। ये चार बातें क्या है, डेटा सब्जेक्ट कौन है, वो इंसान जिसका डेटा है, कंसेंट ऑफ डेटा सब्जेक्ट क्या है, उस इंसान की इजाजत के वो अपना डेटा शेयर करना चाहता है। पर्सनल डेटा क्या है, वो डेटा जिससे एक बंदे को पहचाना जा सके, ना कि वो डेटा जिससे उसको पहचाना ना जा सके। तो एनक्रिप्टेड डेटा, इस तरह का डेटा, उस तरह का डेटा शामिल नहीं है, वो डेटा जिसको देख के हम उस बंदे तक पहुंच सके। सेंसिटिव पर्सनल डेटा, ऐसा नाजुक हसास डेटा जो कि आप नहीं चाहते कि आपकी इजाजत के बगैर दुनिया को पता लगे, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके बैंक की इंफॉर्मेशन, आपकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन, आपकी बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आप नहीं चाहते कि सारी दुनिया को पता लगे, वो आपका सेंसिटिव डेटा है जिसको आपने याद करना है। तो बेसिकली डेफिनेशन वाले पेज को आपने अच्छी तरह से याद करना है, पीछे जो हमने जेनेरिक डिस्कशन की थी उसमें सिर्फ अथॉरिटी का नाम आप याद रख लें, बाकी चीजें एस सच याद करने की जरूरत नहीं। कल इंशाल्लाह ताला कहानी को यहीं से शुरू करेंगे। सर आप बदल गए हैं। नहीं जी मैं रोक दी है, मैं आगे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ रीकैप दे रहा था एक भाई के कहने पे। एक भाई ने कहा मिड टर्म कौन से चैप्टर का है, जाते जाते सुन जाए, ये जो ये चैप्टर है ना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला एंड वो वाला, कल मैं जरा दोबारा बता दूंगा, अभी आप जा रहे हैं अभी आप सुन नहीं पाएंगे, माइंड बन जाएगा। 16वां ऐड होगा इसमें पीछे वाले डेटा, मतलब 11 से 16 सारा जी। अब अगेन ये डिपेंड करता है, वो बात है 14 15 तो हमने पढ़ा ही नहीं ना बीच में, कल एक दफा एक बात कर लेते हैं जुम्मे के करीब, जब लोग जुम्मे के लिए जा रहे होंगे, ये जुम्मे को होगा ना नेक्स्ट फ्राइडे का। अभी तक तो यही ख्वाहिश है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको कल इस पे